सबसे पहले बेटा आज का टॉपिक जो चल रहा है वो है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश का अर्थ मीनिंग जो है या अर्थ क्या है, इसका अर्थ है एनर्जी, यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा बोल लो जी। ऊष्मा थोड़ा लाइट में चला जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं बेटा। अब मैं आपको ये बताऊंगा यहां पे कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार से उसे हमने डिवाइड किया है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था कि हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, या प्रकाश हमारे इस मतलब देखने में जो है वो हेल्प करता है। तो कैसे करेंगे कंटिन्यूटी, तो वो मैं आपको अब समझा रहा हूं। तो बीच में कॉलिंग आ रही है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाती है, इसलिए मैं बोलूंगा कि कॉल ना करें जब भी आपकी क्लास लगती हो। तो बेटा प्रकाश जैसे कि कोई लाइट है वो स्ट्राइक करती है, जैसे यहां पर स्ट्राइक कर रही है तो वो यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर चले जाती है, तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैं अगर 30 डिग्री के एंगल से आती हूं तो मैं 30 डिग्री के एंगल से ही जाऊंगी, मतलब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ये लाइट जो है वो जाती है। तो जब कोई लाइट आती है तो हम इसको इंसिडेंस बोलते हैं, आई से शो करते हैं, और जब वो वापस जाती है टकरा कर तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि ये बोथ जितनी भी मैंने आपको बातें बता रहा हूं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो है लाइट के ये उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसी प्रकार से जो है मैं आपको एक और बात बताऊं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जो सरफेस है वो किस प्रकार का है। कभी भी आप नोट करेंगे या याद रखें मेरी बात को, तो क्या होता है बेटा कि जैसे कि कोई दीवार है, या आपने अपने बोर्ड भी देखे होंगे व्हाइट बोर्ड वगैरह, तो उन पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन आती है, यानी कि एक स्पॉट बन जाते हैं जहां पे टीचर लिख रहा होता है मगर वो हमें चीज दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो चीज पर रिफ्लेक्शन आ रही होती है, बार बार रिफ्लेक्शन आ रही होती है। तो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन आपकी आ रही होती है उस वजह से जो है आप नहीं देख पाते हैं। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो उसका ये ही रीजन आता है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आप अभी अपने मोबाइल पे सभी देख रहे होंगे वीडियोस को, तो इसमें क्या हो रहा है, सन रेज पड़ रही है जिस कारण जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये तभी हो रही है जिस वजह से जो है रिफ्लेक्शन जो सन रेज है वो आपके इसमें गिर रही है मोबाइल पर, तो उस कारण जो है रिफ्लेक्शन हो रही है। इसी प्रकार से बेटा रिफ्लेक्शन के लिए और भी एग्जांपल्स बहुत से हैं जिससे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और
इसकी जो मेन इक्वेशन है, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या आप टेक्निकल भर्ती वाले हैं वो याद रखें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, वो हर बार एंगल आई इक्वल टू आर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक साथ में हम चलते हैं, एक होती है रिफ्रैक्शन। अभी जो हम नेक्स्ट इसी में जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्रैक्शन का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले मेरे को आपकी बात को क्लियर करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या अर्थ होता है। बेटा जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता बट बहुत ज्यादा भी होता है डिफरेंसेस। उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। आप देखो, रिफ्लेक्शन ये रिएक्शन है, आर की वजह से ही आ गया, पूरा का पूरा डिफरेंस बन रहा है। तो बेटा जी, अब हम इस डिफरेंस को अब अभी हम समझते हैं, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्शन कहां कहां होती है। जैसे कि कोई ग्लास है, वहां से रे आती है और रिफ्रैक्ट होती है और इमर्ज हो जाती है, इमर्जेंस बोलते हैं ई के बराबर लेते हैं। या आप कोई ग्लास है जिसमें पानी से भरा हुआ है और आपने इसमें पेन रखा हुआ है, तो पेन जब आपने इसमें रखा हुआ है तो वो आपको टेढ़ा दिखाई देगा, यूं और थोड़ा सा टेढ़ा। कई बार ऐसा होता है कुएं के अंदर जो है हमें लगता है कि पानी जो है वो ये पास में ही है, मगर वो गहरा होता है। वो भी इसी का एग्जांपल है कि हमें वो पानी का जो सतह है, समतल यानी कि इसका सरफेस है, वो मुझे ये लगेगा कि नहीं ये तो पास में ही है यार, मैं अभी उछल कर जो है इसमें जाऊंगा और टच कर लूंगा। मगर जब हम जाते हैं तो इसकी जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है। उसका भी यही रीजन है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या करती है? रिफ्रैक्शन रेज को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके उसको इमर्ज कर देती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ इतना है, यानी कि जो आपकी रेज है वो क्या करेंगी, एक स्तर पर जाएंगी और वो दूसरी स्तर में मतलब अंदर चले जाएंगी, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके हिंदी में जो है अनुवाद को अगर हम स्टडी करें बच्चों, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो क्या कहता है, इसको भी स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। बेटा जो मेरे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, या तल पर पड़ती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट तल पर पड़े तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपना जो रास्ता है वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, जब वो अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम को हम जो है वो क्या कहते हैं, वो ही हम जो मैं आपसे बता रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि एक रे आई और यूं करके रिफ्रैक्ट होगी, जो ये आकर इस जगह से
रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसी में आ जाता है मिरर्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मिरर होते हैं वो दो प्रकार के बच्चों मिरर होते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं मिरर के वो मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए आपके जो मिरर्स हैं, यहां पर देखें आप मिरर्स को, तो मिरर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दो प्रकार के मिरर होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण किस प्रकार से वर्क करता है और उत्तल दर्पण किस प्रकार से वर्क करेगा बेटो, तो मैं आपको अभी ये क्लियर करता हूं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। देखें अब फर्स्टली जो है इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो अब दोनों का वर्किंग जो है वो मेरे को आपको समझानी है। मिरर इस प्रकार से होता है। अब इस मिरर का मैं क्या कहता है, ये अभी जो मैं बता रहा हूं वो कनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूं, यानी कि अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिएगा अवतल दर्पण के बारे में। कनकेव मिरर, तो बेटा जी कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर यानी कि इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश या कलाई की जाती है, यानी कि इसके ऊपर जो है यहां पर जो है यहां पर एक कलर कर दिया जाता है इस साइड। तो उस कलर से क्या होता है कि जो अंदर वाली सतह होती है वो वहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, यानी कि मान लीजिए इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सभी को ही नॉलेज होगा जो हमारे साइंस स्टूडेंट्स हैं। जस्ट इमेजिन मेरे भैया कि ये अगर मिरर जो है वो स्फेरिकल होता तो इसका एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं और हिंदी में भी यही कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार से जब ये रेज जो होती हैं, जैसे कि हमारी लाइट है, कोई लाइट आई और यहां पर आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आपको और ज्यादा अच्छा हो जाए। जैसे ये रे आई और वो यहां से टकराई और रिफ्लेक्ट होगी यहां पे, मतलब रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। एक रे और आई और वो वहां से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। एक रे इधर से भी आई वो भी रिफ्लेक्ट होके चलेगी। मगर आप ये बात देख रहे होंगे कि ये सभी जब टकरा कर जा रही हैं तो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आकर टकरा रही हैं यहां पर, तो उस जगह को हम फोकस कहते हैं, इस जगह को हम फोकस कहेंगे। बेटा जी जब ये रेज आ रही थी और ये टकरा रही थी और रिफ्लेक्ट हो रही थी, इस चीज को मैं अभी पढ़ा बैठा हूं आपको, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट आई
और रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, यानी कि इंसिडेंट हुई यानी कि आई एंगल के साथ और रिफ्लेक्ट होगी आर के साथ। तो बेटा जी अब इसमें क्या क्या थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, तो वो थोड़े से आपको ध्यान से रखने हैं। अब जैसे मैंने रे बताई आपको, तो मैंने ये बोला कि कोई भी रे आती है और आपस में टकरा कर ऐसे ये जा रही है, और एक ही पॉइंट पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर ये मिलती हैं, यानी कि एक ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये जो पॉइंट होता है हर बार बच्चा याद रख लेना, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी प्रकार से अब उत्तल दर्पण, यानी कि ये अभी जो हमने स्टडी किया ये कनकेव मिरर के बारे में किया, अब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। कन्वेक्स मिरर कहाँ कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर के अंदर की तरफ को हमने जो है लेप यानी कि लगाया होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया जो होता है वो बाहर का होता है, यानी कि ये उल्टा होगा, बाहर की तरफ को उभरा होता है। इसके बीचों बीच जो है कोई हमारी रे होती है जो जाती है सेंटर में से मिरर के, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा। अब मान कर चलते हैं जैसे कि कोई जब ये जाती है, तो अब आप देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि जस्ट इमेजिनरी की एक सर्कुलर है, गोला है, गोल, ठीक है जी। तो क्या होता है, अब सर्कुलर होता तो क्या होगा बेटा, देखें कि इसके बीच में एक सेंटर होगा, एक मैं आपको सर्कल फिर से लेके बता देता पूरा चाहे फिर से, ये यहां पर देखें आप, ये एक सर्कल है, तो अब सर्कल के बीच में सेंटर ही होगा ना भैया, तो सेंटर यहां पर होगा, ये बोल रहा हूं मैं आपको। तो जब सेंटर होगा तो इसके हम आधे को यूज कर रहे हैं, जो मैंने ये येलो कलर में बनाया है ये आधा है, और ये जस्ट इमेजिनरी पार्ट मैंने बताया है। तो इसका यहां पर अंदर की तरफ को ये हमने लेप लगाकर यानी कि रिफ्लेक्ट के लिए रखा हुआ है कि वो बाहर से हमारा एरिया जो वो रिफ्लेक्ट हो। तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अब देखिए यहां पर रेज आती हैं और स्ट्राइक होगी, और आपको पता है इसके परे तो जाएगी नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी, यानी कि इंसिडेंट हुई और यहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई। इसी प्रकार से एक और रे आई, वो भी यहां से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी। ऐसे ही मैं नीचे की तरफ बात करूं तो वो भी चले जाएगी, ऐसे भी आई हो, कहीं के भी आकर जा सकती हैं। मगर जब हम इन रेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो ये एक कॉमन पॉइंट पर भी मिलती हैं। जब ये कॉमन पॉइंट पर फिर से मिलेंगी, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये एक कॉमन पॉइंट पर जहां पर ये मिलेंगी उस जगह को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मगर इसकी अब आपको ये क्लियर हो गया कि कन्वेक्स और कनकेव, जो कन्वेक्स मिरर है वो कैसे वर्क करेगा और कनकेव मिरर कैसे वर्क करता है। अब इसके हम जो है कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, उन एग्जांपल्स से आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा था। देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीडी और क्लर्क के लिए और टेक्निकल वालों के लिए भी। देखें कि एग्जांपल को लेके हमारे लिए भी है कुछ आप कौन से इसके हैं, हम एफ कैट के। एक्चुअल में ये जो क्लास लगी है बच्चों ये जीडी के लिए लगी हुई है, और आर्मी जीडी क्लर्क आर्मी वालों की अपनी जो है, एक बार जब भी हो तो आप फ्री होकर व्हाट्सएप करें तो मैं आपकी क्लासेस के लिए बता दूंगा कि एफ कैट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा सुन पा रहे हैं आप आवाज को,
एफकैट वालों की क्लास कब लगेगी? आप बेटे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको बता दूंगा एफकैट की क्लास कब लग रही है। ओके ओके तो ओके कनकेव मिरर में जो है अवतल दर्पण जो है, अब उसके एग्जांपल्स हैं अवतल दर्पण के लिए। ये एग्जाम में ये पूछा था कि कारों का या बसों का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होती है, वो कौन से मिरर यूज किया जाता है। तो आंसर इज कनकेव मिरर। इसी प्रकार से दाढ़ी बनाने की या जो हम चेहरे देखते हैं अपने, उन दर्पण मतलब मिरर को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कनकेव मिरर का। डॉक्टर आंख नाक कान नाक जो देखते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो लाइट फेंकते हैं तो उसको चेक करने के लिए कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका भी आंसर जो है आपका वो यही रहेगा बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या है? कनकेव मिरर। तो इस प्रकार से आप ये एग्जांपल्स को जरूर याद रखें। एग्जांपल पर क्वेश्चन आता है ना कि आपसे डेफिनेशन पूछनी है पेपर में। इसी प्रकार से कार बसों के पीछे को देखने के लिए, जब हमने उसके पीछे देखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें भी हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा जी, वो है कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। कार बस के पीछे की तरफ देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर का। इसी प्रकार से बेटा आगे की तरफ चलता हूं, जो हमारा ये चला हुआ है टॉपिक, ये इसके आप स्टडी कर लीजिएगा। कुछ इसके तथ्य हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको रिमेम्बर रखने के लिए ये बनाए गए हैं, तो इन्हें आपने देखना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, या इसी के अंदर और भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा। मैं तो सिर्फ डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं आर्मी की के लिए ही बता रहा हूँ कि कितने कितने हैं इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, वही बता रहा हूँ। तो अवतल दर्पण ये देखिए, और उत्तल दर्पण, ठीक है जी, ये स्फेरिकल लेंसेज में आता है, तो इनको भी आप अपना अपना जो ये माइक है वो म्यूट करके रखें। सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपना अपना माइक जो है वो म्यूट करके रखें। प्रकाश का एक और होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसी होती है बेटा, जैसे एक प्रिज्म है तो इसके ऊपर रेज आती है, जैसे कि हमारा रेनबो बनता है, तो रेनबो भी इसी के ऊपर बनता है। जैसे एक लाइट आएगी और यहाँ पर आकर जो वो बिखर कर अलग अलग कलर्स में बन जाती है, जो कलर बनते हैं वो बिबगोर बनाता है, यानी कि ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं इन लेयरों को, कि अलग अलग भागों में, जैसे इंद्रधनुष है, ये इंद्रधनुष है मानकर चलो, सॉरी ये गलत बन गया, ऐसे करके इंद्रधनुष है ये। तो इसमें क्या होता है, इंद्रधनुष में अलग अलग कलर के क्या बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, देसी भाषा में बोले तो। जब हम साइंस की भाषा में आए तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि बैंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग बैंड्स में। तो इसको हम जो है स्पेक्ट्रम कहेंगे या वर्णक्रम कहेंगे। अब वर्णक्रम यानी कि वर्ण इसलिए बोला है क्योंकि हम जो है वर्णों का यूज करते हैं, बिबगोर बनाता है, क्या बनाता है बेटा, बिबगोर। अब ये जो बिबगोर है इसके अलग अलग कलर्स हैं। अब वही कलर्स में आपको जो है हर एक, जैसे वी का मतलब बैंगनी, वॉयलेट है, आई फोर इंडिगो यानी कि फिर ब्लू, ये अलग अलग कलर्स हैं। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये देखो बैंगनी कलर बताया है, नीला बताया, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी, तो ये आपने लर्न कर लेना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बैंगनी कलर है वो सबसे अधिक और स्कैटर्ड मतलब, और लाल रंग सबसे कम जो है वो स्कैटर्ड होता है। सबसे अधिक जो है वो बैंगनी होता है और लाल रंग सबसे कम होता है। इसीलिए हम डेंजर सिग्नल जो होते हैं
यानी कि इसके अपने सड़कों के किनारे, तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम बिगोर इसी के अनुसार चलते हैं। लाल, हरा और नीला, इनको हम प्राथमिक यानी कि अपने प्राइमरी कलर्स कहते हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी कलर्स भी होते हैं, इनको भी याद रखिएगा, मेजेंटा कलर और मोरनी और पीला, ये भी आपके क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं बेटा। इसी प्रकार से यदि सफेद प्रकाश किसी सभी सात रंग में परिवर्तित होता है, जो लाइट आएगी वो व्हाइट कलर की होती है। ये इसका मेन नहीं है, आपको मेन जो है वो ये तीन पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, अब देख लीजिए क्लास खत्म होने को चल दी तो बच्चे ज्वाइन होने को चले। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये जो टॉपिक है वो मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही दिया है, तो डिटेल के लिए हम कल पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो मुझे लास्ट सेशन में, अभी कंप्लीट हो गई है ये क्लास, आप मुझे ये बताएं क्या आप और क्लास लगाना चाहते हैं, तो मैं आपकी 15 मिनट में और क्लास ले सकता हूं। तो सभी मुझे जो है जल्दी से जुड़कर अभी अपने जो माइक है वो ऑन कर दें और मुझे बताएं कि क्लास और आगे लगानी है कि नहीं लगानी है। तो जल्दी से क्लियर कर दे फटाफट, या जीके की क्लास लेनी है, कोई भी क्लास लेनी है तो मैं ले सकता हूं। साइंस की कंटिन्यू करो, लगवा लो। हाँ जी, मैथ की नहीं सर, मैथ की अभी हुई है क्लास, साइंस की कंटिन्यू कराओ, साइंस को कंटिन्यू करना है अभी। यस सर। ओके, और कोई और जीके की लगानी है तो जीके की भी लग सकती है, कोई भी क्लास को कंटिन्यू करवा सकते हो आप, या थोड़ा डीपली पढ़ना है तो डीपली के लिए भी पढ़ सकते हैं। जल्दी से जवाब दें, आपकी क्लास जो है वो अभी वाली कैंसिल होने वाली है, थोड़ी देर, 5-3 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट। क्या साइंस की क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए? यस सर। तो 5 मिनट के बाद जो है ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं हम आपके लिए, तब तक मैं नोट्स तैयार कर लेता हूँ, जिन नोट्स को आपको दिखा भी पाऊँ ना मैं पढ़ाने के लिए, तो मैं अभी 5 मिनट में आपको रिवर्स आ रहा हूँ। ओके यस सर। ओके, तो मैं आ गया 5 मिनट में।